निर्मला सीतारमण जल्द ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट एनडीए सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगा। मुंबई के पास बसे टेक्सटाइल हब भिवंडी में बड़ी संख्या में कपड़ा मिले, पावर लूम और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं। इंडस्ट्री को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वो आयकर नियमों में छूट से लेकर सरकारी योजनाओं से फायदा उठाना चाहती हैं। मैं अब केंद्र सरकार से हमको बहुत उम्मीद है कि आने वाला बजट में ये अपना पावरलूम उद्योग के लिए खासकर आयकर एक्ट में जो बदलाव किया है 43BH वो रद्द करना चाहिए। 45 दिन का अंदर जो पेमेंट करने का है वो पावरलूम के लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर अपना कपड़ा बनने के लिए कम से कम 90 से 120 दिन होते हैं। तो इसमें व्यापारी को व्यापार करने दो, सरकार इसमें दखल अंदाज ना करे, ये हमारा एक पहला है। बजट के हिसाब से भिवंडी को हमेशा बताया जाता है कि पावरलूम सेक्टर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है। तो मेरी इस बजट से तो सबसे पहले मांग ये रहेगी कि जो पीएम मित्रा जो योजना 2021 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसके अंदर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो था उसके अंदर भिवंडी का भी समावेश हो। तो यहाँ के जो पावरलूम है जो काफी सारे बंद होने की कगार पर है, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ जो जीएसटी का स्लैब है, जीएसटी एक बार कच्चे कपड़े पर मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी स्टार्टिंग में आप यान जब खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है, तो जीएसटी स्टार्ट में है और फिनिश में भी है। भिवंडी के पावर लूम मालिकों का कहना है कि कभी फलने फूलने वाला टेक्सटाइल हब आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उनका कहना है कि सस्ते इंपोर्ट से होने वाले मुकाबले पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, साथ ही कच्चे माल की कीमतें और बिजली दरें बढ़ने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी है। यहाँ पर कम से कम पूरे हिंदुस्तान में ये 5 से 7 करोड़ लोगों को रोजगार देती है ये इंडस्ट्री। आप यान मैन्युफैक्चरिंग से लेके कपास उगाने से लेके डाइंग से लेके टेलरिंग से लेके पावरलूम बनाने से लेके पावरलूम चलाने से लेके उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, उसके अंदर जो मैकेनिक इन्वॉल्व रहते हैं, पावर सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है ये, इसको टोटली इग्नोर आप कर रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक की जो पोजिशन है, कभी लूम बंद होता कभी चालू होता, कोई इसकी स्कीम के लिए हम लोग तलाश में रहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को कुछ कोई स्कीम दे भिवंडी शहर वालों को। आज भिवंडी शहर के ऐसे हालात हो गए, करीब करीब 10 लाख लूम थे, आज बचे 5 लाख, यानी 50% लूम बिक चुके हैं। कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि बजट उनकी चिंताएं दूर करेगा। वे सरकार से सभी मुश्किलों पर एक साथ ध्यान देने की अपील कर रहे हैं, ताकि न केवल भिवंडी बल्कि देश के सभी इलाकों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत में सुधार हो पाए।